मध्य प्रदेश की तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी निधि निवेदिता एक बार फिर चर्चा में है। निधि निवेदिता जो जानी जाती है बीजेपी नेता से उलझने के लिए, जानी जाती है बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के लिए, आखिर वो कौन है? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिये, निधि निवेदिता मध्य प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर हैं और वो काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर तबादलों की सूची में उनका नाम है और एक बार फिर उनकी चर्चा हो रही है। आखिर क्यों रही निधि निवेदिता चर्चा में, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि निधि निवेदिता तब चर्चा में आई थी जब वो राजगढ़ जिले की तत्कालीन कलेक्टर थी। आपको बता दें कि रैली में बीजेपी नेताओं से वो उलझ पड़ी थी, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आईएएस ऑफिसर निधि निवेदिता ने प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी नेताओं को थप्पड़ से पीट दिया था। उस समय विपक्ष में बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ में जाकर बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, सत्ता में आने के बाद 21 घंटे के अंदर ही निधि निवेदिता का तबादला कर दिया गया था। दरअसल जनवरी 2020 में पूरे देश में सीएए एनआरसी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, वहीं बीजेपी इसके समर्थन में रैली निकाल रही थी। राजगढ़ के ब्यावरा में रैली के लिए अनुमति नहीं थी, जिसके बावजूद बीजेपी नेताओं ने रैली निकाली और रैली को रोकने के लिए तत्कालीन कलेक्टर निधि निवेदिता खुद ही मैदान में उतर गई थी। इस दौरान कई बीजेपी नेताओं से वो उलझ पड़ी थी, साथ ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारते और कॉलर पकड़ते हुए भी वो दिखाई दी थी। हालांकि जब बीजेपी वापस सरकार में आई तब उनके ऊपर एक्शन लिया गया था। मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आए थे। निधि निवेदिता थप्पड़ कांड के बाद बीजेपी की आंखों की किरकिरी वो बन गई थी। शपथ ग्रहण के 21 घंटे बाद ही निधि निवेदिता के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए थे। हालांकि अब मोहन सरकार में एक बार फिर निधि निवेदिता के चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कि तबादलों की सूची में उनका नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि चर्चित रही निधि निवेदिता अब किस तरीके से आगे काम करती हैं, क्या एक बार फिर सरकार से उलझती दिखाई देंगी, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रही एमपी तक के साथ।